देश में नोटबंदी से कोई अछूता नहीं दिखा, चाहे वो कारोबार का मामला हो या शिक्षा का या परिवार के पालन पोषण या फिर शादी ब्याह का, हर जगह नोटबंदी का असर देखा गया। और तो और इस नोटबंदी से मंदिर भी अछूता नहीं रहा। जी हाँ, नोटबंदी ने तिरुपति बालाजी मंदिर की आमदनी को घटा दिया है। नोटबंदी का असर श्रद्धालुओं की दान क्षमता पर भी पड़ा। इस कारण देश के सबसे अमीर मंदिरों में तिरुपति बालाजी की आय में भारी कमी आई है। इस कमी को पूरा करने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने भक्तों को दी जाने वाले प्रसाद सहित दूसरी सुविधाओं का चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा। हालांकि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ट्रस्ट से जुड़े अफसरों के मुताबिक नोटबंदी से पहले तिरुमला तिरुपति ट्रस्ट की आय 5 करोड़ रुपए प्रतिदिन थी और नोटबंदी के बाद से इस आय में प्रतिदिन 1 करोड़ और कभी इससे ज्यादा की भी कमी बनी हुई है। तिरुमला ट्रस्ट के चेयरमैन चाडलवड़ा कृष्णमूर्ति के अनुसार, हम भक्तों पर अतिरिक्त भार नहीं डालना चाहते, फिर भी हम मंदिर दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले टिकट में मामूली वृद्धि करने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। आपको बता दें कि मंदिर दर्शन के लिए टिकट्स के रेट 50 रुपए से 5,000 रुपए तक हैं। इनमें से ज्यादातर श्रद्धालु स्पेशल दर्शन के लिए 300 रुपए का टिकट लेना पसंद करते हैं। हर रोज तकरीबन 2,000 लोग 500 रुपए के टिकट से VIP दर्शन करते हैं। तिरुपति ट्रस्ट टिकट रेट्स में 5 से 10 रुपए की वृद्धि करना चाहता है। ट्रस्ट का मानना है कि इस तरीके से आय में हुई कमी की भरपाई की जा सकेगी। गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व भी ट्रस्ट की तरफ से ऐसा प्रपोजल राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसे मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अस्वीकार कर दिया था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।